ईद मुबारक। ईद कैसे मना रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मना रहे हैं। जिस तरह से आप विजुअल में देख रहे हैं कि ईद के मौके पर काफ़ी तादाद में लोग ईद मनाने के लिए, ईदगाह का नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हैं, और खुशहाली को देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे से गले मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से ईद की मुबारकबाद देते हुए नज़र आ रहे हैं, और लोग काफ़ी उत्साह में हैं, और लोग खुशहाली की दुआ मांग रहे हैं खुदा से कि खुदा उनको बरकत और खुशहाली का जीवन दे, और ईद के लिए सभी को मुबारकबाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं लोग काफ़ी तादाद में भीड़ में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर ईदगाह का नमाज पढ़ने हैं, बड़े हो या छोटे बच्चे, सभी कोई ईद का मुबारकबाद एक दूसरे को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है ईद को लेकर के। किस तरीके से इस बार आप ईद मना रहे हैं? लॉकडाउन के बाद तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन ईद अब हो रहा है इस बार, और लोग बाज़ार में ख़रीदारी भी जम के किए, और ईद में रमज़ान पूरा इबादत भी अच्छे से लोग किए हैं, और आप देख ही रहे भीड़ और माहौल। प्रशासन के भी काफ़ी यहाँ पे सुझाव अच्छा रहा है, प्रशासन भी बहुत साथ दे रहा है हमारा, और यहाँ का सरकार भी। और क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? यही संदेश देना चाहता है कि अगर, लेकिन साल में एक बार ईद आता है, और ईद को हम लोग बहुत ही बड़ा त्यौहार मानते हैं, और इससे पहले हम लोग रमज़ान जो आती है, तो रमज़ान में इबादत अच्छी से करें, क्योंकि फिर खुदा ना खास्ते अगले साल हो ना हो, हम लोग रहे ना रहें, इबादत अच्छा से करिए और ईद अच्छा से मनाइए, क्योंकि ईद एक्चुअली बच्चों को होता है, बच्चों को जो खुशी होता है, हम लोग भी बच्चे रहते थे तो हम लोग भी मज़ा आता था ईद में, लेकिन अब क्या कि बच्चों को खुशी का आगे हम लोग खुशी होता है, नमाज़ पढ़ लिया हम लोग का ईद ख़त्म हो गया। जी ईद मुबारक जी आपको भी, और तमाम रांची वासियों को, तमाम मुसलमानों को, हम हमारे तरफ से और मेरे बेटे की तरफ से ईद मुबारक। देखिए, ईद का त्यौहार हर्षोल्लास का त्यौहार, अमन भाईचारगी प्रेम सद्भावना के पैगाम देता है। 30 दिनों की कठिन तपस्या के बाद ईद का त्यौहार आता है। कल का दिन बड़ा संजोग था कि कल अलविदा जुम्मा भी था और कल ईद का चांद भी देखा गया। पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ आज ईद का त्यौहार मनाया जाए। आज की दुआएं कबूल होती, मुल्क में इत्तेहाद बनी रहे, समाज में समरसता बनी रहे, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव बना रहे। हर धार्मिक त्यौहार यही हमें सिखाता है। ईद का त्यौहार भी हमारे लिए यही संदेश लेकर आता है कि हम किस तरह से समाज में परोपकार करें, किस तरह से लोगों का कल्याण करें, समाज के किस तरह उन्नति करें। और ये ईद का त्यौहार इस वर्ष धूमधाम के साथ, पूरे इत्तेहाद के साथ मनाया जा रहा है। गंगा जहनी तहजीब की संस्कृति के प्रतीक का भी यह त्यौहार है, जहां हम सब मिलकर गले लगकर एक दूसरे को ईद की खुशियां बांटते हैं, सेवैयां खाते हैं, गरीबों को मदद करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि परोपकार और कल्याण का यह ईद का त्यौहार है। समस्त राज्यवासियों को ईद के त्यौहार की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि खूब हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को भाईचारगी और सद्भावना के साथ मनाएं, और हमारी देश की जो विरासत है, जो संस्कृति है, इसको इसी तरह से आगे लेकर के चलें। सर क्या कहिएगा? ईद है, भाईचारगी का आपको पर्व है, इसमें हम तमाम हिंदुस्तान वासियों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। राज्य सरकार को क्या कहिएगा? राज्य सरकार को क्या कहेंगे? राज्य सरकार अपना काम करें ठीक से, ईमानदारी से। देशवासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं, और दुआ करता हूं कि जो खुशहाली हमारे झारखंड में है वो और बढ़े, दुगना हो, और आपस में इत्तेहाद और भाईचारा का जो माहौल है, आपने देखा कि पिछले दिनों हम लोगों ने रामनवमी, दुर्गा पूजा, सभी लोग रमजान में रोज़ा रखकर भी हम लोगों ने रामनवमी का स्वागत किया। आज देखिए ईद के दिन भी सारे धर्म समुदाय के लोग ईदगाह में आ रहे हैं, और हम सारे लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इससे बड़ा और धार्मिक सौहार्दता का कोई दूसरा नमूना हो नहीं सकता है।
हमें चाहिए कि समाज में समरसता कैसे बरकरार रहे, सामाजिक एकता हमारी कैसे कायम रहे। हम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आलोक दुबे जी को और तमाम उन तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों को जिन लोगों ने आकर आज ईद के दिन में हम सारे लोगों के साथ मिलकर साना बसाना गले से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की है। और हम चाहेंगे कि ईद के दिन ये दुआ करते हैं अल्लाह से कि आज के दिन जो भी दुआ हो वो करें कि झारखंड हमारा खुशहाली के रास्ते पर जाए, सामाजिक समरसता हमारी बनी रहे, मोहब्बत और भाईचारे के साथ लोग रहे यहाँ पर, एकता हमारी से मिसाल बने और हम लोग इसी तरह हम प्यार और मोहब्बत के साथ पूरे झारखंड को आगे ले जा सकें। ईद अच्छी तरह से मना रहे हैं, ऊपर वाले का करम है, बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं। अच्छा है इबादत किया पूरे रमजान शरीफ में और आज ऐसा दिन मिला कि हम यह ईद की नमाज पढ़ने आए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। ईद मुबारक। ईद कैसे मना रहे हैं? आप लोग को ईद मुबारक। ईद की मुबारकबाद देते हुए लोग एक दूसरे को नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि हमने लोगों से बात की और लोगों ने कहा कि ईद के मौके पर हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि लोग हमेशा खुशहाली से रहें और हमारा राज्य और देश हमेशा से खुशहाली की ओर आगे बढ़ता रहे। जिस तरह से आपने देखा कि छोटे हो या बड़े हर कोई ईद की मुबारकबाद एक दूसरे को देते हुए नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे से गले मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं झारखंड न्यूज़ 9 से जयंती।